बिहार की सियासत में लगातार खिचड़ी पक रही है। ताजा मामला जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से जुड़ा है। आरसीपी सिंह को उनकी पार्टी जेडीयू ने उनको शोकॉज नोटिस भेजा है, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में। ये नोटिस नालंदा जिले के जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष के आरोप पर भेजा गया है। इस नोटिस में जेडीयू ने आरसीपी सिंह पर परोक्ष रूप से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिसमें कहा गया कि आरसीपी सिंह ने जेडीयू में रहते हुए बेहिसाब संपत्ति जुटाई है। अब इस सूचना की जानकारी संबंधित व्यक्ति को दे दी गई है। अब उनकी ओर से क्या कहा जाता है, क्या सफाई दी जाती है या नहीं दी जाती है, इस पर अगला कदम पार्टी का निर्भर करेगा। तब तक आप सब लोगों को इंतजार करना चाहिए। सरकार में रहते हुए, सरकार के साथ रहते हुए, पार्टी के शीर्ष पद पर रहते हुए संपत्ति अर्जित पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें की है, अब जो भी संपत्ति उन्होंने अर्जित की उसके बारे में उनको क्या कहना है, पार्टी यह जानना चाहती है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की ओर से ये जवाब तलब किया गया है, जिसमें साल 2013 से 2022 तक प्रॉपर्टी अर्जित करने का आरोप है। इसमें नालंदा जिले के दो प्रखंडों में खरीदी गई 40 बीघा जमीन भी शामिल है। जमीन को दान में लेने का आरोप भी आरसीपी सिंह पर लगा है। इन संपत्तियों का चुनावी हलफनामे में जिक्र नहीं किया गया था। पार्टी का आरोप है कि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को छिपाए रखा। जेडीयू ने यहां तक आरोप लगाया कि आरसीपी सिंह ने अपनी पत्नी के नाम में हेरफेर कर जमीन खरीदी है। हालांकि जेडीयू के द्वारा नोटिस भेजे जाने पर आरसीपी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चुप हैं। उनकी पार्टी आरजेडी से जेडीयू का अंदरूनी मसला बता रही है। बता दें 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, उस दौरान लगभग हर रोज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरसीपी सिंह पर हमला करते थे।